नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ और इसके ज्ञान का उद्देश्य आज भी सुरक्षित है। तो सिर्फ इस कारण से इस ग्रंथ में जो भी संदेश दिया है अर्जुन को, वे भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा लगभग 5,500 वर्ष पूर्व इस ज्ञान को दिया गया। श्रीमद् भागवत गीता आज घर में हर एक के पास है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने ये समझना है। आप सभी जानते हैं, कहानी तो जानते हैं, लेकिन कहानी का मर्म और सार मैं आपको बताऊं। जब पांडव पुत्रों को एक भी गांव देने को तैयार नहीं हुए कौरव, तो महाभारत के युद्ध की घोषणा होती है। युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने, बड़ी ही लंबी बड़ी विशाल सेनाएं खड़ी हैं। पांडवों के सारथी बने हैं भगवान श्री कृष्ण, और ऐसे सारथी हैं जो ग्रेट पॉलिटिशियन है, बहुत विजडम है, बहुत नीति विशेषज्ञ हैं, और सत्य का साथ देने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वे अर्जुन जिन्होंने अनेकों युद्ध में विजय प्राप्त करी है, क्षत्रिय उनके कर्म और स्वभाव की, इसे कहते हैं ना कि एक क्वालिटी है, आज वे कहाँ गए। तो चलिए आज हम इसी युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस तरह महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। और कभी कभी ये युद्ध हमारे घर परिवार में, रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। हम अपने गृह युद्ध में, पति पत्नी के बीच में युद्ध, बच्चों के साथ युद्ध, भाई बहन में युद्ध। युद्ध मीन्स तू तड़ा, युद्ध का मतलब लड़ाई, छोटी मोटी बहस, और वो बहस में हम बड़ों का क्या इंटरफियरेंस होता है, हम किस तरह से सलाह मशवरा करते हैं, किस तरह से हम समझौते पे आते हैं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणाम, युद्ध की रचना, युद्ध का व्यू किस तरह से रचा हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, संजय बताओ मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में युद्ध की कैसी रचना हुई है। तो संजय हजारों किलोमीटर दूर आंखों देखा वर्णन करते हैं और कहते हैं, महाराज दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, बहुत ही सुंदर व्यूकार रचना रची हुई है। महारथियों के नाम सुनिए, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, युधामन्यु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांच पुत्र, ये सभी महारथी हैं। और इसके साथ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके क्षेत्र में भी जो प्रधान है उनके भी नाम मैं आपको बताता हूँ, भीष्म पितामह, बड़े बड़े गुर्गों के साथ, और सभी सेना जो है विजय के लिए दावेदारी कर रही है। देखिए महाभारत जैसे ग्रंथ में 18 का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, संख्या 18 अध्याय हैं और 18 ही योग बताए गए हैं। 18 बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या इसमें मानी गई है, और ये ज्ञान इसलिए भी आज संरक्षित है, महर्षि पराशर की संतान वेद व्यास द्वारा लिखे दिए महाकाव्य, महान ग्रंथ जो है हमें बहुत सारी शिक्षा देता है। आप देखिए, कहते हैं ना मोह होना बहुत जरूरी है, अगर मोह नहीं होगा तो माताएं अपने बच्चों को, परिवार को कैसे पालेंगी। पर यहाँ मोह का कारण देखिए, धृतराष्ट्र का अंधा मोह, ये मोह हमारे मित्र हैं, काम क्रोध मोह, पर हमें यूटिलाइज कैसे करना है, वही मोह धृतराष्ट्र का अंधा मोह इस युद्ध की कहते हैं ना कारण बन गया। तो परिवार में भी अंधा मोह नहीं होना चाहिए, अत्यधिक प्रेम। कभी कभी हम देखते हैं परिवार में माता पिता का अत्यधिक स्नेह, बच्चे को सही मार्ग पे नहीं लिया जाता, दादा दादी की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, नाना नानी का बहुत ज्यादा लाड़ प्यार। प्यार तो जरूरी है, अगर ये प्यार रहा हो तो इस प्रकृति में ये अनुपम उपहार जो है बच्चों की संतति के पालन करने का, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये
प्यार का जो मोह है, जो बंधन है, जब स्वह मोह में बदल जाए, सिर्फ अपना ही मोह और किसी का मोह ना दिखाई पड़े, इस युद्ध में भी आप देख लीजिए धृतराष्ट्र के पुत्रों में और क्या हुआ। एक छोटे से गांव देने की बात कही गई, 5 गांव देने की बात की गई, लेकिन कौरवों ने क्या कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी कोई गांव नहीं दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं इस महान ग्रंथ में वो सब कुछ है। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कहते हैं धर्मे अर्थे कामे चा मोक्षे चा भारतवर्षम्। धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो कुछ भी इस संसार में है, इस ग्रंथ में, यानी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास अगर आप इस ग्रंथ को समझें। सिर्फ ये मत देखें कर्मण्येवाधि कारस्ते, अरे कौन ऐसा बंदा होगा जो काम करके फल की एक्सपेक्टेशन ना करे। इसको समझना होगा किस संदर्भ में ये बात कही गई है और आज हम किस संदर्भ में बात करते हैं। क्या हम इस श्लोक के अर्थ को सही अर्थों में जानते हैं? नहीं। तो श्रीमद् भागवत जैसा जो महान ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना, उसकी लेखनी, जो इतनी सुपीरियर लेखनी द्वारा ये धर्म ग्रंथ रक्षित है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम जाने। तो पहले अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन का विषाद योग। पहला योग है विषाद योग। विषाद का तात्पर्य है हताश होना, निराश होना, गुमसुम होना, परेशान होना। अर्जुन अपने सारथी बने हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं अपनी सेनाओं को, अपने गुरुजनों को, भाइयों को युद्ध से सजे हुए अस्त्र शस्त्रों के साथ देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण जी सफेद घोड़ों पे बैठे हुए अर्जुन को वहां ले जाके दोनों सेनाओं के बीच में रोक देते हैं। अब देखिए अर्जुन का विषाद, हतप्रभ से रह गए अर्जुन, मैं इनसे युद्ध करूंगा? क्या मैं इनसे युद्ध करने के लिए, मुझे तो कोई लालच नहीं है, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, ना मुझे राज चाहिए, ना मुझे भोग विलास के लिए कुछ चाहिए, मैं इनको मार के अपने ही स्वर्ग बंधुओं को, अपने ही भाई बंधुओं को मार के इस राज को मैं लेके क्या करूंगा, क्या प्रयोजन होगा। देखिए अर्जुन जो कि क्षत्रिय हैं, जिनका कर्म है युद्ध करना, धर्म युद्ध करना, आज वो विषाद ग्रसित हो गए हैं और इस विषाद ग्रसित में कहते हैं नहीं चाहिए महाराज मुझे विजय, नहीं चाहिए मुझे राज, क्या करना है मुझे जीवन में इन प्रलोभनों से। अपने भाइयों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? हे माधव इन आतताइयों को मैं नहीं मार पाऊंगा, मुझे पाप लगेगा। अब आप देखिए जिस समय अर्जुन को कोई श्रेष्ठ काम करना है वो कर्म से पीछे हट रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारे परिवार में होता है, जिस समय किसी बच्चे को जो काम असाइन किया गया वो ना करके किसी और काम में जब बच्चा संलग्न हो जाए, ये तो कहते हैं बच्चा लो फील कर रहा है, बच्चा डीमोरलाइज हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र का अर्जुन हतप्रभ हो गया है, गुरुजनों को देख के, महारथियों को देख के, अपने ही भाइयों को देख के जिनसे शिक्षा ग्रहण करी, कहता आई कैन नॉट फाइट विद भीष्म पितामह, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे महान गुरुओं से मैंने शिक्षा ली, अब मैं क्या उन पे अस्त्र उठाऊंगा। क्षत्रित्व का कर्म केरा धनुष मार, कहते मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरी त्वचा जल रही है, मुझे कंपन हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है और मैं गांडी नीचे रख रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे से युद्ध नहीं हो पाएगा। बाकी जिस समय धर्म युद्ध करना है वो पीछे हट रहे हैं, घर में भी ऐसे होता है।
पहले अध्याय में अगर हम इसका मैसेज देखते हैं तो क्या देखते हैं? रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। अर्जुन कहते हैं नहीं। अब यहाँ देखो, बहुत बड़े बड़े शंख बज रहे हैं। युद्ध की घोषणा से पहले श्री कृष्ण जी बजाते हैं पांच जन्य शंख, ढोल नगाड़े और शंख से पूरा युद्ध स्थल गुंजायमान हो रहा है। और आप देखिए, सारे योद्धाओं के पास शंख हैं। अर्जुन बजाते हैं देवदत्त नामक शंख, भीमसेन ने बजाया पौंड्र नामक शंख, और इसी तरह से युधिष्ठिर ने भी बजाया अनंत विजय नाम का शंख। हर एक योद्धा के पास एक शंख है, सभी शंख नाद कर रहे हैं। महारथियों ने भीष्म पितामह ने भी सिंह नाद करके गर्जना करी। युद्ध होने के कुछ एक क्षण पहले की बात, अर्जुन को क्या हो गया? विषाद यानी डिजेक्शन। हम अपने घर में भी देखते हैं ना, डिजेक्शन इज फीलिंग लो, फ्रस्ट्रेशन। कोई बात हमारे दिल और दिमाग पर इस तरह से है जो कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बांट नहीं पा रहे, हमारे को कोई सलाह मशवरा गाइडेंस नहीं मिल रही है। ऐसे समय श्री कृष्ण एक सारथी रूप में किस तरह से मार्गदर्शक बनते हैं, यही तो हमने सीखना है। और बच्चों, अगर आप बच्चे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको स्टेज में होती हैं। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, सेल्फ इमेज हो सकता है, लेकर आप परेशान हो सकते हैं, बुलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस हो सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे इश्यूज आप देख लीजिए, ये सारे इश्यूज जब होते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। मायूस होना ही तो डिस्पेयर है, डिसअपॉइंटमेंट है। और जब हम जीवन में इस डिसअपॉइंटमेंट को जीत लेते हैं तो उस रिजेक्शन से भी बाहर आ जाते हैं। तो पहले अध्याय में योग ऑफ अर्जुन, डिजेक्शन ऑफ योग को हमने क्या बनाना है? होपफुल बनाना है अपने आप को। डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है बच्चों। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में बहुत कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, हम सबके साथ होता है, कुछ नई बात नहीं है। तो पहले अध्याय में जब हम दुखी हों, मायूस हों, तो हम अपने आप को एंगेज करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, सेल्फ थिंकिंग करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं मायूस हूं तो क्यों हूं, मेरे लिए दिन महत्वपूर्ण है, ये समय महत्वपूर्ण है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं लो फील कर रहा हूं तो मैं कौन सी ऐसी चीज है जिससे मैं लो फील ना करूं, और लो फील ना करके अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाऊं। ये एक्टिविटी आपकी संगीत भी हो सकती है, कुकिंग भी हो सकती है, बाग बगीचा है तो आप टहल सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ओम का उच्चारण करके अपने आप को सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण जैसे सलाहकार या मार्गदर्शक तो मिलने से रहे, लेकिन हमने इससे क्या सीखा? हम बड़े हैं तो हम एक मोटिवेशनल, मोटिवेट करने के लिए अपने बच्चों के सिंबल्स और साइंस को समझें और उनके साथ बातचीत करें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नेगोशिएट करें और अपने जीवन को खुशहाल। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, इफ यू लाइक इट आई विल मेक मोर वीडियोस। मैं पूरे 18 अध्यायों में 18 योग के बारे में बताऊंगी, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे इंप्लीमेंट करना है और क्या मुझे सीख मिलती है ये भी मैं बताऊंगी। तो पहले अध्याय में अर्जुन की जो रॉन्ग थिंकिंग है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्म क्या है? युद्ध करना। अनेकों युद्ध कर चुका है अर्जुन, अनेकों बार विजय प्राप्त कर चुका है, पर आज इस धर्म युद्ध में वो हताश हो गया है और वे रथ में जाके चुपचाप बैठ जाता है। चलिए दूसरे अध्याय में मैं आपको कुछ और बताऊंगी, दूसरे अध्याय में कौन सा योग आता है। अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आई कंटिन्यू दिस चेन। धन्यवाद।